नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप मोटिवेशनल को, सिर्फ मोटिवेशनल का यूज करते हैं आप, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यदि आप मोटिवेट के नाम पर चल रहे हैं, सिर्फ मोटिवेट यदि आपको कोई कर रहा है और आप चल रहे हैं, तो आप एक ऐसी गाड़ी हो जिसको धक्के मारकर चलाना पड़ता है। मोटिवेट आपके लिए यदि कुछ मायने रखता है, तो आप एक बैलगाड़ी हो, एक बिना पेट्रोल की गाड़ी हो जिसको धक्के मारकर चलाना पड़ता है। और धक्के मारने के लिए लोग बहुत बैठे हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत बैठे हैं। जब कोई आपको मोटिवेट करता है तो आपको लगता है कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। परंतु क्या आप वास्तव में कर सकते हो? नहीं करोगे, क्योंकि धक्के मारने वाली गाड़ी को जब तक हम धक्के मारेंगे वो तब तक ही चलती है, उसे ज्यादा नहीं चलती है, बिल्कुल भी नहीं चलती। मोटिवेशनल आपके लिए थोड़े समय के लिए काम करता है, एक घंटा, दो घंटा, पांच घंटा या फिर एक दिन, उसे ज्यादा नहीं कर सकता। रियल में जो लोग सक्सेस होते हैं वो मोटिवेशनल के कारण नहीं होते, वो होते हैं राइट इंफॉर्मेशन के कारण, सही जानकारी के कारण। और दूसरी एक और उसमें वजह होती है कि उनके पीछे पागल कुत्ते लगे हुए हैं, यदि वो भागेंगे नहीं तो उनको खा जाएंगे। वो पागल कुत्ता लालच के नाम का हो सकता है, वो पागल कुत्ता मजबूरी के नाम का हो सकता है, वो पागल कुत्ता सपनों के नाम का हो सकता है, कोई ना कोई तो होता है। और वो उसमें इतने भागते रहते हैं कि अपनी जिंदगी का जो मकसद है जीने का, वो बिल्कुल भूल जाते हैं। चलिए, आपको यदि कामयाबी मिल भी जाती है, आपको एक बार सक्सेस मिल भी जाती है, परंतु सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे भागता है ना, उसको सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है? कामयाबी का आपके लिए मतलब क्या है? कुछ आप ऐसा पाना चाहते हैं जिसको आप पाकर खुश हो जाएंगे, परंतु क्या आप वहां पर संतुष्ट होते हैं? यदि आपको, आपने सोचा कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला बनाना है, 10 लाख का बंगला बनाना है, परंतु क्या आप 10 लाख के बंगले पर संतुष्ट होते हैं? नहीं होते। आपको उसके बाद में लग्जरी गाड़ी चाहिए, उसके बाद में और कुछ चाहिए, उसके बाद में और कुछ चाहिए, उसके बाद में और कुछ चाहिए, और उसी आड़ में, उसी दौड़ में आप अपनी जिंदगी का जो मकसद है वो भूल जाते हैं, अपनों से टूट जाते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते, अपने बीवी बच्चों पर ध्यान नहीं देते, अपने माता पिता पर ध्यान नहीं देते हैं, दुनिया से, समाज से, आपका रिश्ता टूट जाता है एकदम। और जब आपका रिश्ता टूटता है तो आप आखिर में अकेले हो जाते हो। आपके पास बहुत होगा, सब कुछ होगा, पर एक चीज नहीं होगी, शांति नहीं होगी। आपके पास पैसा बहुत होगा, एक चीज नहीं होगी, प्यार नहीं होगा। और यदि कोई लोग आपको, आपकी इज्जत करते हैं, आपको कहते हैं कि हम आपकी इज्जत करते हैं, तो वो इसलिए इज्जत नहीं करेंगे कि आप इज्जत के लायक हो, वो इसलिए इज्जत करेंगे कि आपके पास पैसा, आपके पास धन है, आपके पास दौलत है। वो एक दिखावे की इज्जत होगी आपके लिए। और ऐसी इज्जत का क्या मतलब, ऐसे प्यार का क्या मतलब जो दिखावे के लिए हो? इस दुनिया में खूबसूरत बहुत लोग हैं, इस दुनिया में टैलेंटेड बहुत लोग हैं, कोई किसी से प्यार क्यों नहीं करता?